आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे एक वर्ष के पौधे से लगभग लगभग 2 किलो सीताफल निकल दोस्तों, आए आज हैं। सीताफल के हार्वेस्टिंग चल रही है। आप देख सकते हो सीताफल हमारे लगभग पूर्ण रूपेण ग्रो हो गए हैं। और साथ में इसकी काट छाट भी करना जरूरी आ गई है, क्योंकि जो सीताफल होता है वो अब जो नई ब्रांचेस निकलेगी उसके ऊपर ग्रो होगा, इसलिए इसकी काट छाट करना भी बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा 1 साल का पौधा है सीताफल का, जिसकी हम काट छाट भी कर रहे हैं। और काट छाट करने के साथ में जो सीताफल मैच्योर होते जा रहे हैं उनको तोड़ते भी जा रहे हैं। और दोस्तों, ये जो इसकी पत्तियाँ होती है, इसकी जो पत्तियाँ होती है ये एक बहुत अच्छे कीटनाशक का कार्य करती है। आपने देखा होगा कि सीताफल की पत्तियों को कोई भी जानवर नहीं खाता है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रकार का एक तत्व होता है जो स्वादहीन होता है, जिसको कोई खाना पसंद नहीं करता। तो इसकी पत्तियों को हम 1 लीटर पानी में उबाल कर उसमें नीम तेल मिलाकर, जब तक वो आधा लीटर ना हो जाए, आधा लीटर हो जाए जब उबलते उबलते, तो फिर उसका स्प्रे हमारे पूरे गार्डन में कर देंगे। और आज हम इसकी रिपोर्टिंग भी करेंगे, क्योंकि अब ये ग्रो बैग इसका छोटा लग रहा है, तो अब हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। हम सारे सीताफल तोड़ लेते हैं। ये हमारे सीताफल इकट्ठे होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे एक वर्ष के पौधे से लगभग लगभग 2 किलो सीताफल निकल आए हैं, जो कि बहुत अच्छा कहा जा सकता है। अब इसकी अनवांटेड ब्रांचेस को हम हटा देंगे सारी, क्योंकि अगले साल इसमें वापस से नई ग्रोथ पे ही फ्रूट आएंगे, इसलिए इसको हटा देंगे। और इसको पौधे को नीचे उतार कर अब हम इस कैरेट में रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले इस कैरेट के आजू बाजू से हमें उसको कुछ लगाना पड़ेगा। सारी ब्रांचेस लगभग लगभग हमने हटा दी है, इक्का दुक्का छोड़ देते हैं। अभी हम इसकी पुताई करेंगे चूने से, उसके बाद में इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रिक बताई थी आपको मोगरे में कि उसको पानी देके निकालना है, इसको सूखा रखना है दोस्तों। सूखा रखेगा तो ये गमले से ऑटोमेटिक छूट जाएगा। ये हमारा कोकोपीट है, ये हमारा गोबर की खाद है अच्छी बनी हुई, ये मिट्टी है, और ये हमारा वर्मी कंपोस्ट है। और इसके साथ में ये हमारे पास हल्दी है, कि इसमें चीटियाँ वीटियाँ ना आए, इसलिए इसमें हल्दी का उपयोग करेंगे। अब इनको मिला मिला के हम इसको रिपोर्ट कर देंगे। बहुत ही आसान और सिंपल है दोस्तों, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है।